हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम वडोदरा से एकता नगर करीब 140 के करीब पहुँचे। अहमदाबाद से वडोदरा जाके वडोदरा में वडोदरा पैलेस देख के फिर वडोदरा से एकता नगर आने तक 140 हुआ था। वैसे तो आधा दिन हमारा बीत चुका था। हमारा शेड्यूल में स्टैचू ऑफ यूनिटी और केवड़िया घूमने के लिए सिर्फ आधा दिन ही था। मन में एक तरह घबराहट सी थी कि सब कुछ कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम पार्किंग तक पहुँच गए हैं। हम हमारा व्हीकल इधर ही पार्क करके आगे घूमने के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी हम केवड़िया पहुंच गए हैं। यहाँ से स्टैचू देखने के लिए हमें बस पे जाना है। अगर हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है तो सामने जो आप काउंटर देख रहे हैं वहाँ पे हम टिकट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कैश अलाउड नहीं है। हमें पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करके आए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा टाइम इधर वेस्ट हो जाएगा। ये स्टैचू जाने के लिए बस का क्यू है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम गौर से देखेंगे तो स्टैचू हमें दिखाई देगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए एक के बाद एक बस रहता है, ज़्यादा देर वेट करने का ज़रूरत नहीं है। इस बस स्टॉप को भारत भवन बोलते हैं। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी करीब 6 किलोमीटर दूरी पर है। फ्रेंड्स, हमें बस को एक्स्ट्रा पैसा देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वीविंग गैलरी टिकट में ही यूनिटी जाने तक का बस का फेयर और सरदार सरोवर डैम विजिट करने का बस का टिकट इसमें इंक्लूड रहता है। राइट साइड में जो कोकोनट ट्रीज आप देख रहे हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं दिखाई थी। रात में ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। रात में जब लाइटिंग करते हैं तब पूरा एरिया बहुत खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का गेट्स है। हमारा टिकट में किस गेट में एंट्री लिखा रहता है उसी गेट में हमें एंट्री लेना है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बस स्टॉप है। यहीं से अलग अलग जगह जाने का बस मिलता है। फ्रेंड्स, हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री टाइमिंग 4 बजे का लिया था। हमारे पास 2 घंटा था और हमने साथ में ग्लो गार्डन और आरोग्य वन का भी टिकट लिया था। ग्लो गार्डन तो लेज़र शो के बाद ही ओपन होता है। वैसे तो केवड़िया घूमने के लिए 2-3 दिन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा अट्रैक्शंस है। हम केवड़िया घूमना चाहते थे लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हमने साइट सीइंग का बस लिया। साइट सीइंग का बस स्टैचू ऑफ यूनिटी बस स्टॉप में मिलेगा। साइट सीइंग बस में 15-16 व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं। साइट सीइंग बस के लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं रहता है, हमें अमाउंट उधर ही पे करना रहता है। पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं। फर्स्ट व्यू पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरा है जंगल सफारी,
जंगल सफारी करने के लिए हमें 2-3 घंटे चाहिए। फ्रेंड्स, हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हर जगह हम नीचे उतर के देखें, एक एक जगह हम नीचे उतर के व्यू पॉइंट देख सकते हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं वो वैली ऑफ फ्लावर्स है। वीविंग गैलरी टिकट में ही वैली ऑफ फ्लावर्स का टिकट भी इंक्लूड रहता है। फोर्थ अट्रैक्शन है डायनो ट्रेल, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो रिवर बेड पावर हाउस है। राइट साइड आप देख रहे हैं वो सरदार सरोवर डैम है। लेजर शो के बाद इधर लाइटिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स, आप राइट साइड में देख रहे हैं वो नर्मदा कैनल है। ये हमारे देश का सेकंड लॉन्गेस्ट कैनल है। नर्मदा कैनल गुजरात में 17 डिस्ट्रिक्ट, 79 तालुक्स और 3125 विलेजेस होके बाद में राजस्थान में बहता है। आप बाएं की तरफ थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पहाड़ पर प्लांट्स प्लांटिंग किए हैं वो हमें नज़र आएगा। शायद ये ग्रो होने के बाद और भी खूबसूरत दिखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम नर्मदा टेंट सिटी 2 जा रहे हैं। अगर हम टेंट सिटी में रुकना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये वाटर एरोड्रम है, यहाँ पे सी प्लेन लैंड होता है। पहले अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक सी प्लेन रहता था, अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर हमें नौका विहार करना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। नौका विहार का टाइम ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। ये नौका विहार है, यहाँ पे बस को 5-10 मिनट के लिए रोकते हैं, हम चाहिए तो फोटो या वीडियो ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, इधर मैं टेंट सिटी के पास खड़ी हूँ। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छे से दिखता है। इस जगह से एक साइड नर्मदा टेंट सिटी 2 दिखता है और दूसरी तरफ नर्मदा रिवर। इधर बैठने के लिए वुडन बेंचेस है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम यहाँ पे बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पानी को रिवर राफ्टिंग किधर होता है वहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि रिवर राफ्टिंग करने के लिए पानी बहुत फोर्स में चाहिए। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है। पहले जो टेंट सिटी देखा था वो नर्मदा टेंट सिटी 2 है, ये नर्मदा टेंट सिटी 1 है। ये आरोग्य वन है। हमारे पास आरोग्य वन का टिकट था, इसलिए हम आरोग्य वन पे उतर गए। आरोग्य वन आने तक टाइम 3:20 हुआ था। आगे जाके ये बस कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सेल्फी पॉइंट पे जाता है। इस बस का लास्ट पॉइंट है एकता नर्सरी। आरोग्य वन के स्टार्टिंग में जो गोल्फ कार्ट खड़ा है उसमें हम आरोग्य वन आधा घंटे में घूम सकते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था। हम केवाड़िया मेनली स्टैचू ऑफ यूनिटी और लेज़र शो देखने के लिए आए थे, वो हम मिस नहीं करना चाहते थे। हम आरोग्य वन स्टार्टिंग में थोड़ा घूमे, तभी टाइम 3:30 बज गया था। हमने वीविंग गैलरी का टिकट 4 बजे का लिया था, सो हम स्टैचू देखने के लिए वहाँ से निकले। हमने आरोग्य वन से भारत भवन तक ऑटो लिया, क्योंकि बस के लिए वेट करने तक हमारे पास टाइम नहीं था।
भारत भवन या एकता मॉल से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए बहुत सारे बसेस रहते हैं। हम ठीक 4 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री गेट में थे। पहले टिकट स्कैन करके पूरे चेकिंग के बाद ही हम स्टैचू ऑफ यूनिटी एंटर कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हम चल के भी जा सकते हैं, नहीं तो एस्केलेटर है उसमें भी हम जा सकते हैं। फ्रेंड्स, 380 रुपीज़ का वीविंग गैलरी का टिकट पहले से ही हमारा बुक था। 380 रुपीज़ टिकट में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट तक जा सकते हैं। वीविंग गैलरी का टिकट्स पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आना चाहिए, क्योंकि वीविंग गैलरी का टिकट्स लिमिटेड रहता है। अगर टिकट्स फुल होता है तो जो भारत भवन के पास जो काउंटर में दिखाई थी वहाँ पे भी टिकट्स नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, ये लाइब्रेरी जैसा दिखता है लेकिन लाइब्रेरी है नहीं। फ्रेंड्स, ये वीविंग गैलरी जाने का एंट्रेंस है। अगर हमारे पास एक्सप्रेस टिकट है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, क्यू में वेट करने का ज़रूरत नहीं है। एलिवेटर में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर से हम नर्मदा रिवर, माउंटेन्स, सरदार सरोवर डैम और स्टैचू आने तक का रास्ता, वो सब हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है वो देख सकते हैं। वीविंग गैलरी से आने के बाद हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को बहुत नज़दीकी से देखने गए। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को बहुत दूर से देखे और वीविंग गैलरी के अंदर भी हम जाके आए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू देखने का एहसास या अनुभव हमें इधर ही होता है। हमें मालूम था कि केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा बहुत सारा अट्रैक्शंस है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, सो हमने साइट सीइंग का बस लिया था, इसलिए हमें थोड़ा बहुत केवड़िया घूमने का मौका मिला। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आ रहे हैं तो लेज़र शो मिस मत कीजिएगा। हम वीविंग गैलरी देख के लेज़र शो देखने के लिए बैठे।
लेजर शो 6:45 के करीब स्टार्ट हुआ। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सदा। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झलेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के पांच बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। लंदन में पेरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। लेजर शो 20 से 25 मिनट तक का ही रहता है। फ्रेंड्स, हम ग्लो गार्डन जाना चाहते थे लेकिन हम बहुत थक गए थे, हमें वापस अहमदाबाद आना था। लेज़र शो के बाद यूनिटी बस स्टॉप में थोड़ा ज़्यादा ही रश था। हमें भारत भवन आने तक 7:40 हुआ। हमारा व्हीकल पार्किंग में था, हम तुरंत ही अहमदाबाद के लिए निकले। केवड़िया से अहमदाबाद 194 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम अहमदाबाद ठीक 11 बजे पहुँचे। अहमदाबाद में हम जिस होटल में थे वहाँ का रेस्टोरेंट 10 बजे तक ही ओपन रहता है, लेकिन होटल वालों ने हमारे लिए डिनर सेपरेट पैक करके रूम में भिजवाया था। खाना बहुत ही अच्छा था। पूरा दिन घूम के हम थक गए थे, अगले दिन के लिए भी हमें रेडी होना था। सो आज का व्लॉग मैं इधर ही कंप्लीट कर रही हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिंपली साधु।